हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप दिल्ली से बैंकॉक कैसे पहुंच सकते हो, क्या इमिग्रेशन रूल्स हैं, क्या दिखाना होगा आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे एंट्री के लिए, एंड वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस कैसा है और कितना पैसा आपको कहाँ दिखाना है, बाकी और भी सारी डिटेल्स। और मैं आपको बैंकॉक एयरपोर्ट का थोड़ा टूर भी दिखाऊंगी इसमें कि आपको वहाँ पे सिम कार्ड कहाँ से मिल सकता है, आप बैंकॉक सिटी के अंदर कैसे जा सकते हो, मेट्रो कैसे यूज़ करना है, एंड एवरी अदर डिटेल्स जो भी आपको चाहिए होंगी। तो कीप वॉचिंग। हे गाइस, तो मेरा थाईलैंड का ट्रिप शुरू हो चुका है और ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इंडिया से थाईलैंड कैसे पहुंचना है और फिर थाईलैंड में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से आप अपना हॉस्टल कैसे पहुंच सकते हो। मेरी बैंकॉक की फ़्लाइट दिल्ली से स्टार्ट थी और मुंबई में 2 घंटे का लेओवर था, तो मैं सुबह जल्दी निकली और मैंने सिक्योरिटी चेक और सब क्लियर किया दिल्ली में। सिक्योरिटी चेक क्लियर करते ही शॉपिंग वाला एरिया आ गया और वहाँ से मेरे को बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ना था और मेरा बोर्डिंग गेट था कुछ 34-37 नंबर पर, जो बिल्कुल एंड में आता था। थैंकफुली मुझे वहाँ पे गोल्फ कार्ट मिल गई जो 500 रुपये चार्ज करती थी और उसने मुझे मेरे गेट पे छोड़ दिया, वरना तो मेरी फ़्लाइट पक्का ही मिस होने वाली थी। मेरी दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट 2 घंटा 10 मिनट की थी और टाइमली स्टार्ट हो गई थी 8 बजे। तो अभी सारा चेक कर रहे थे और उन्होंने मुझे विंडो सीट पे बिठा रखा था इमरजेंसी एग्ज़िट पे, क्योंकि उनको कोई चाहिए था वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए। सो यस, दैट वाज बेसिकली मी। मेरी फ़्लाइट टिकट में मेल भी इंक्लूडेड था, तो उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट दिया था जिसमें था बेसिकली इडली सांभर और क्रोइसॉन, मतलब क्रोइसॉन जैसा था, और थोड़ा सा उपमा बस, और हाँ योगर्ट भी था। फाइनली हम मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच गए और वहाँ पे मुझे ट्रांजिट करना था इंटरनेशनल डिपार्चर की साइट पे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। वहाँ पे दोबारा सिक्योरिटी चेक हुआ मेरा और फिर फाइनली यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन काउंटर था, क्योंकि दिल्ली से मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी इंटरनेशनल, तो इसलिए वहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने दोबारा क्वेश्चंस पूछे कि आप किस लिए जा रहे हो, इतने दिन के लिए क्यों जा रहे हो, वही सब। और फाइनली जब इमिग्रेशन क्रॉस हो गया था, मतलब कुछ 15 मिनट लगे यहाँ पे मुझे, और क्रॉस होने के बाद मेरे पास कुछ 1 घंटा था फ्लाइट के लिए। सब कुछ चेकिंग होने के बाद मैं बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ी। मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैं बहुत जल्दी में नहीं थी, तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया और मुंबई एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर है विद ग्रीनरी एंड स्टफ। बट हाँ, फिर बोर्डिंग का टाइम हो गया हमारा और ये वाली भी एयर इंडिया की ही फ़्लाइट थी, बट ये वाली कुछ 4.5 घंटे की थी, तो यहाँ से हम 12:30 निकलते और हम बैंकॉक में 6:30 बजे पहुँचते। सिंस बैंकॉक थोड़ा 1.5 घंटा आगे चलता है, तो इसलिए 6:30 बजे बैंकॉक के टाइम पर पहुँचने वाली थी मैं। ये वाली फ़्लाइट मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी स्पेशियस थी और काफ़ी फैसिलिटीज़ भी वो दे रहे थे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक तो टीवी था जिसमें आप मूवीज़ या सॉन्ग या कुछ भी चला सकते थे, एंड साथ में उन्होंने हमको ईयरफोन्स भी दिए हुए थे जो आगे की पॉकेट में रखा हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो। और ईयरफोन्स के अलावा हमारे पास और भी चीज़ें थी, लाइक ब्लैंकेट्स भी वो दे रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री ब्लैंकेट्स यूज़ करने को अगर आपको ठंडी लग रही थी। तो मैंने पहली बार मांगा क्योंकि मुझे जनरली बहुत ही वियर्ड लगता है मांगना, बट येस। एंड देन आई स्पेंड द एंटायर फ्लाइट वॉचिंग अ मूवी डेथ ऑन द नाइल, विच वॉज अमेजिंग बाय द वे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने स्नैक्स देना शुरू किया और वो ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड था उसमें, तो आप ड्रिंक्स कुछ भी ले सकते थे, कोल्ड ड्रिंक या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना दिया जो मैंने नॉनवेज कर रखा था, तो इट वाज करी एंड विद राइस, एंड फिर उसके बाद पुडिंग वुडिंग भी था। उसके बाद उन्होंने हमें एक अराइवल फॉर्म पकड़ाया जो पहले आपको थाईलैंड आने के लिए फ़िल करना था, बट अब फिल नहीं करना है, तो आप इसको इग्नोर मार सकते हो अगर वो आपको देते हैं तो।
हमारे से पहले सब लोग चले। सो गाइस, हम फाइनली बैंकॉक लैंड कर गए हैं और अभी हम बाहर नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। लेट्स गो सी इमिग्रेशन में कितना टाइम लगता है। और ये है एग्जीक्यूटिव लाउंज बाय द वे। और ये है हमारा BKK एयरपोर्ट सुवर्ण भवन। अभी हम इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, काफी काफी दूर है। लेट्स सी क्या पूछेंगे वहां पे, कुछ आइडिया नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जब आप इंडिया से बाहर निकलोगे और यहाँ पे थाईलैंड के किसी एयरपोर्ट पे आओगे, तो आपको जब वो चेक करेंगे इमिग्रेशन कंट्रोल पे, जो बॉर्डर कंट्रोल होता है, वहाँ पे चेकिंग होगी, तो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जैसे आपकी होटल बुकिंग, आपका रिटर्न टिकट और ऑफकोर्स वीज़ा, अगर आपके पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास नहीं है तो वीज़ा ऑन अराइवल का लाइन डिफरेंट है, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो एंड वन मोर थिंग इज़ कि आपको थाईलैंड आने के लिए कोविड वैक्सीनेशन कंपलसरी है, मतलब आपको डबल डोज होना चाहिए, तो प्लीज़ डबल डोज लेके आइएगा। फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट ही वो देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, या फिर आपके पास RT-PCR होना चाहिए, आइदर ऑफ दोस, ठीक है। तो दैट्स अबाउट द बॉर्डर कंट्रोल। बाकी आपके पास दो ऑप्शन है वीज़ाज़ के, वीज़ा ऑन अराइवल या एम्बेसी वीज़ा, उनके बारे में डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करूँगी। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो वहाँ पे एक सेपरेट लाइन होता है वीज़ा ऑन अराइवल का, आप बिल्कुल एंटर करोगे तो आपके से ऊपर सा बोर्ड सा दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप उस लाइन में जाना, आपको 2000 बाहत देना होगा। बाहत इज़ थाईलैंड करेंसी, तो बाहत का अगर इंडियन में कन्वर्जन करें तो कुछ 4200 या 4500 के अराउंड आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कैश देना होगा, तो प्लीज़ या तो आप ऑलरेडी थोड़ा सा बात कन्वर्ट करके लेके आइएगा इंडिया से, क्योंकि वहाँ पे ATM का थोड़ा रहता है कि चलेगा आपका कार्ड नहीं चलेगा, यू नेवर नो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीज़ा ऑन अराइवल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट में मिल जाता है अगर नॉर्मल लाइन है तो। बट वन थिंग इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इज़ कि बहुत सारे लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल वो नहीं भी देते हैं। मुझे एक यूट्यूबर मिला था और उसने बताया था कि जब वो आया था फ्लाइट से और वो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर रहा था, तो जो उसकी पूरी लाइफ फ्लाइट थी उसको डिटेन कर लिया था वहाँ पे, एंड आधे से ज़्यादा लोगों को वापस भेजा था। तो प्लीज़ फॉर श्योर, आप अगर आपको मतलब बुकिंग्स हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें, क्योंकि एम्बेसी वाला जो वीज़ा है दैट डजेंट कॉस्ट अ लॉट ऑल्सो, दैट्स लाइक 3000 INR, एंड आप अप टू 2 months स्टे कर सकते हो, एंड आपको 4 दिन में मिल जाता है। अगर आप फर्स्ट डे को सबमिट करो तो 4th दिन को आपको वापस मिल जाएगा, तो इट्स नॉट दैट अ बिग डील। वीज़ा ऑन अराइवल ऑन द अदर हैंड आपको 15 दिन का स्टे ही देता है। अभी उन्होंने थाईलैंड ने अक्टूबर से मार्च के लिए 15 डेज को 30 डेज में कर दिया, तो अगर आप अभी इस पीरियड में आ रहे हो तो आपको 30 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, बट अगेन यू पेइंग मोर फॉर इट, एंड चांसेस हैं कि आपको डिटेन करके वापस भेज दिया जाए, एंड दैट इज़ अप टू देम, उनका मूड पे है। अगर उनको मन किया, उनको आप पे ट्रस्ट नहीं हुआ, तो आपको वापस भेज देंगे, सिंपल सी बात है। तो दैट्स अबाउट द वीज़ा प्रोसेस। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो यहाँ पे आप वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकते हो। ई वीज़ा ऑन अराइवल भी है, बट आई डोंट थिंक सो इंडिया के लिए। तो इमिग्रेशन तो बहुत सिंपल था, उन्होंने बस वही पूछा कि आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट और स्टे, और मतलब आप कहाँ, मतलब किस लिए आए हो। तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, कोई फॉर्म कुछ नहीं फिल करना। अब मैं जा रही हूँ बैगेज क्लेम पे, बैगेज लेने के लिए, 14 नंबर पे है। तो हाँ, waiting for the bags now here. By the way guys, ये सुवर्णभूमि एयरपोर्ट है। बैंगलोर में 2 एयरपोर्ट हैं, एक है डॉन DMK और एक ये वाला है BKK, तो आप दोनों में से कोई में भी आ सकते हो। यहाँ से आई थिंक मेरे को एक बस दिख रहा है जहाँ तक एयरपोर्ट बस, मेरे हॉस्टल के पास के लिए, तो मैं वही देखूँगी, वही लेके जाऊँगी, तो या बट अभी तो बैग का ही वेट हो रहा है। फाइनली बैग पैक मिल गया है, अभी मैं जा रही हूँ बाहर सबसे पहले ATM से पैसे निकालने हैं, क्योंकि बस फर्स्ट के लिए चाहिए होगा, तो लेट्स सी ATM किधर है, इधर तो भाई दिख नहीं रहा है, तो लेट्स गो।
इधर से आप सिम कार्ड भी ले सकते हो अगर चाहिए तो। बाहर भी हैं पूरा ऐसा ये सब का, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे चलते हैं। एटीएम ये है, एटीएम पैसे विड्रॉ हो चुके हैं। मैं इस वाले में न्यू कार्ड यूज़ कर रही हूँ तो लेट्स सी कैसा है। ये बस फर्स्ट फ्लोर से है नीचे जाना है, और यहाँ पे पार्किंग एरिया, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, प्रेयर रूम सब कुछ है। लेट्स गो। टैक्सीज भी मिल जाएंगे आपको अगर चाहिए तो। बोरा बस दिख रहा है, मेरी बसेस, ये रहा लिंक। सिंस थोड़ा लेट हो गया था और मुझे बसेस का फिगर आउट नहीं हो रहा था, तो आई डिसाइडेड कि मैं ट्रेन लेके सिटी में पहुंच जाऊंगी और फिर वहां से बस या टैक्सी ले लूंगी। तो मैं यहां पे BTS स्काई ट्रेन पे टिकट लेने के लिए आ गई। थैंक यू। तो मेट्रो तो हमारे जैसा ही है, यहाँ का टोकन खरीदना होता है जो आप वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हो या फिर काउंटर से खरीद सकते हो, और फिर आप मेट्रो पर कर सकते हो। तो फाइनली सिटी का तो मेट्रो मतलब टोकन मिल गया मुझे, तो सिटी में तो मैं पहुँच जाऊँगी मेट्रो से। मैंने बोला था प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो वो देखना होगा। ये है प्लेटफॉर्म 2, तो यहाँ से मखासन तक पहुँचूँगी, वहाँ से फिर बस लेना होगा आगे जाने के लिए। तो ये है इनका। पहुँच गई हूँ और बहुत थक गई हूँ, तो कल दिखाऊंगी मैं हॉस्टल आपको। अभी मैं मोस्टली नहा के थोड़ा सा खा के सोने वाली हूँ। सो और मुझे ग्रैब ही लेना पड़ा क्योंकि बस बहुत टाइम लगा रहा था, तो ग्रैब ने कुछ 200 रुपए लिए, मतलब 200 भात, विच इज लाइक 450 रुपये हमारे। तो हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट ठीक है। अभी के लिए बारिश भी हो रही थी एंड रात हो गई थी 9:30, मतलब 10 बज रहे अभी जब मैं पहुँची। तो या दैट्स द अपडेट टिल नाउ। बाकी मैं कल आपको दिखाती हूँ हॉस्टल कैसा है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं आपको मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। ओके बाय।